संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा रही होंगी। बस यही उद्देश्य है, आपको अगर 10% भी सहायता मिल जाए हमारी वीडियो से बस वही काफ़ी है। आज हम एक नए विषय को लेकर के आए हैं, उसमें ऋक् प्रातिशाख्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी अर्जित करेंगे। और ऋक् प्रातिशाख्य ये मान के चलिए दो वीडियो में हम ऐसा समझाएंगे जो सरलतम विधि से इसको, उसके बाद आपको फिर ज़्यादा उलझाव इसमें दिमाग में नहीं रहेगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे। ऋक् प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य, ऋक् प्रातिशाख्य जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रातिशाख्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिसके विषय में हम अध्ययन करें उसको हमें आना चाहिए कि है क्या चीज़ ये। तो प्रातिशाख्य से संबंधित थोड़ी बातें हैं। प्राचीन समय में भी, सबसे पहली बात बताएं आपको, ध्वनि विज्ञान जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ध्वनि विज्ञान, तो प्राचीनतम ध्वनि विज्ञान के रूप में या प्राचीनतम ध्वनि व्यवस्था जो दी गई थी वो प्रातिशाख्य के रूप में थी। विश्व की सबसे प्राचीनतम व्यवस्था है ध्वनि से संबंधित। प्रातिशाख्य जो शब्द है वो एक व्यवस्था है, इसमें प्रातिशाख्य में, प्रातिशाख्य इसको क्यों कहा गया, इसमें बोला गया है शाखायाम, शाखायाम प्रति शाखम शाखायाम, शाखायाम प्रति शाखम, शाखम भव प्रातिशाख्यम। अर्थात जो प्रत्येक शाखा से संबंधित रखती हो। अच्छा, प्रत्येक शाखा किसकी, ये बड़ी उम्मीद प्रश्न उठता है इसमें, हर एक चीज में एक प्रश्न उठता है, उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। शाखायाम, शाखायाम प्रति शाख्यम, शाखम भव प्रातिशाख्यम। वेद संहिता है, वेद संहिताओं की अलग अलग संहिता है, जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, कृष्णयजुर्वेद, फिर शुक्ल यजुर्वेद, दो संहिता हुई उसमें, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, ये संहिता है वेदों की, ये हिस्से हैं, वो शाखाएं हैं वेदों के। तो उनकी शाखाओं से संबंधित रखने को, और उनकी शाखाएं जैसे साकल वाष्कल शाखा, कृष्णयजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद शाखा, उसकी फिर ये इनकी शाखाएं बनी हुई, तैत्री शाखा, मैत्राणी शाखा, इस तरह से हमने अध्ययन किया था। सामवेदी शाखा है, और अथर्ववेद की हमने नौ शाखाओं के बारे में जाना था। ये जो शाखाएं हैं उनसे संबंध रखने के कारण, अलग अलग शाखाओं से संबंध रखने के कारण ये प्रातिशाख्य कहलाए। अब प्रातिशाख्य मुख्य रूप से हमने इनमें अध्ययन किया है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्कस में, जब हमने अध्ययन किया था वेदों के बारे में तो हमने एक चार्ट देने के माध्यम से समझाया था, वैदिक साहित्य का है उसमें, तो उसमें सभी शाखाओं से संबंधित, ऋग्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित और सामवेद अथर्ववेद से संबंधित, उनके सामने शिक्षा और प्रातिशाख्य के एक व्यवस्था के अंतर्गत बताया था कि किससे संबंधित कौन सी प्रातिशाख्य है। तो इसमें मुख्य रूप से हम 5 से 6 प्रातिशाख्य जानते हैं जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला यही है ऋक् प्रातिशाख्य, दूसरा है तैत्रीय प्रातिशाख्य, तीसरा है वाजसनेय प्रातिशाख्य, चौथा है ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य,
प्रातिशाख्य, पांचवा है पुष्य सूत्र, प्रातिशाख्य, और छठवां है अथर्ववेद। प्रातिशाख्य इस तरह से ये छह प्रातिशाख्य हैं। ऋग प्रातिशाख्य, इसको ऋग्वेद प्रातिशाख्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये शाकल जो शाखा है उससे संबंधित है। शाकल शाखा की भी शैश्रीय एक उपशाखा है, उससे इसका सीधा संबंध है। तो ऋग्वेद से संबंधित है शाकल, ऋग्वेद की शाकल शाखा, और शाकल के शैश्रीय उपशाखा उससे इसका सीधा संबंध है। तैत्रीय और ये दोनों यजुर्वेद से हैं। ऋक लिख देता हूं यहां यजुर्वेद, और ऋक प्राप्त और पुष्य सूत्र ऋक तंत्र ये सामवेद से हैं। अथर्ववेद वाली अथर्ववेद से है। इस तरह से ये मुख्य हैं। वैसे तो और भी हैं, वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। अब बात आती है, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो विषय है ऋक प्रातिशाख्य है। तो ऋक प्रातिशाख्य में देख लेते हैं, इसमें इसके और भी नाम हैं। ऋक प्रातिशाख्य को परिषद और पार्षद के नाम से भी जाना जाता है। परिषद और पार्षद का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि परिषद का मतलब होता है सभा, और पार्षद को भी हम कहीं ना कहीं जानते हैं। महानगरों में जब भी इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, तो वो महापौर का या एक तरह से मानिए उसका मेयर का जो चुनाव होता है, उसी के साथ ही पार्षदों का भी चुनाव होता है। तो मेयर के जो सहायक होते हैं उनको पार्षद बोला जाता है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे राजनीति में, तो उसमें बिल्कुल यही व्यवस्था, सभी जगह एक ही व्यवस्था होती है, उन्हीं से संबंध होता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेना है। परिषद का मतलब होता है सभा। तो सभा क्यों है परिषद का नाम दिया गया? ऋग्वेद से या वेदों से संबंधित उनके उच्चारण को शुद्ध उच्चारण के लिए, या यूं मानिए कि उनकी ध्वनि से संबंधित अलग समय समय पर विद्वानों के द्वारा सभाएं की जाती थी और उन पर विचार किया जाता था शुद्ध उच्चारण के लिए। तो जो सभा होती थी उनसे संबंधित फिर पुस्तकों का लेखन किया जाता था। तो उन्हीं लेखन से प्रातिशाख्य का निर्माण हुआ, और प्रातिशाख्य को उन परिषद के कारण परिषद भी कहा जाने लगा, उन सभा के कारण। अब परिषद जो होता है, पार्षद जो होता है, वो उसका सीधा तात्पर्य होता है एक व्यक्ति विशेष को अपना प्रतिनिधि मान करके उसके चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों को, उसके सहायक के रूप में चारों ओर बैठने वाले व्यक्तियों को ही पार्षद बोला जाता है। ये पार्षद की परिभाषा है। राजनीति में तो हम बहुत पढ़ते हैं पार्षद, लेकिन परिभाषा नहीं पढ़ी होगी हमने, और हो सकता है किसी किसी ने अध्ययन भी कर लिया हो, ऋग्वेद प्रातिशाख्य का अध्ययन किया तो कर ही लिया होगा। तो पार्षद का सीधा तात्पर्य है, अब यहां जो प्रातिशाख्य है वो वेदों के सहायक ग्रंथों के रूप में है। जैसे मैंने अभी बताया था, जो मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं व्यक्ति, उनको पार्षद बोला जाता है। ऐसे ही ये ऋक प्रातिशाख्य, तैत्र प्रातिशाख्य, जितने भी प्रातिशाख्य हैं वो अपनी शाखा के, वेद की शाखाओं के सहायक के रूप में होते हैं, तो इसलिए इनको पार्षद भी बोला जाता है। तो उम्मीद है ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी, परिषद और पार्षद। ऋक प्रातिशाख्य का हम अध्ययन कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये बात आती है कि इनके रचयिता कौन है। प्रातिशाख्य अलग अलग हैं रचयिता। अब हम ऋक प्रातिशाख्य की ही चर्चा कर रहे हैं, तो ऋक प्रातिशाख्य के जो लेखक हैं वो शौनक ऋषि माने जाते हैं। नैमिषारण्य में यज्ञ के दौरान 12 दिनों के जो यज्ञ था, उस दिन में 12 दिनों में
ऋषियों को शौनक ऋषि ने एक प्रातिशाक्य का अध्ययन कराया था। तो ये 12 दिन यानी 12 आहनिक में बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आहनिक बोल दिया है मैंने, ये मुख्य रूप से जो इसमें विषय है वो जो अध्याय है वो पटल के नाम से जाने जाते हैं। अध्याय किसके नाम से जाने जाते हैं? पटल के नाम से जाने जाते हैं। और पटलों की संख्या 18 है। हम अभी जानेंगे कौन कौन से पटल हैं। तो शौनक ऋषि हैं, उन्होंने इसको उच्चरित किया, बोला था ऋषियों को। उसके बाद इसका जो भाष्य किया है वो उवर्ट है, उवर्ट है, उन्होंने इसको भाष्य किया है। इसका जो संस्करण निकाला था, इसको वैसे अब तक जो टीकाएं हुई हैं, टीकाओं को याद रखना है आपको, 4 टीकाएं हो चुकी हैं, उनमें से उवर्ट भाष्य मुख्य माना जाता है और उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। उवर्ट भाष्य में विष्णु कृत वृत्ति है, अर्थात विष्णु जी ने इसमें संस्करण निकाला था, इसकी वृत्ति बना करके उसका ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें होगी, शौनक लेखक हो गए, उवर्ट जी का ये भाष्य हो गया, टीका हो गया, और वृत्ति इस पर विष्णु जी ने लिखी है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। बात आती है अब पटलों की कि पटल कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हमने जाना कि पटल 18 हैं और 18 के यहाँ नाम मैं लिखने का प्रयास करूं तो आ जाएंगे शायद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो प्रातिशाक है वो विष्णु मित्र जी ने 12 पटलों में बांट दिया है, या 12 पटल माने हैं उन्होंने, मान लिया एक तरह से। पहले में है संज्ञा परिभाषा, पटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरे को संहिता, पटल भी कहते हैं। तीसरे को स्वर पटल, चौथा संधि नति, ध्वन्यागम पटल, सातवां, आठवां और नौवां ये पिलित के नाम से जाने जाते हैं, पिलित पटल, ठीक है। आठवां पिलित पटल और नवां भी पिलित पटल, दसवां सीमा पटल, दसवां है क्रम पटल, ठीक है, क्रम पटल। फिर ग्यारहवां भी क्रम पटल के नाम से जाना जाता है, बारहवां है सीमा पटल और तेरहवां सीमा शिक्षा पटल, चौदहवां उच्चारण पटल, पंद्रहवां ओंकार पटल, ठीक है। 16, 17 और 18 ये तीनों छंद पटल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, संज्ञा परिभाषा पटल, संहिता पटल, स्वर पटल, संधि पटल, नति पटल, ध्वन्यागम पटल, प्लुति पटल, 3 हैं, 7, 8, 9 और 10वें क्रम पटल, सीमा पटल, शिक्षा पटल, उच्चारण ओंकार और छंद पटल। इस तरह से ये 18 पटलों में विभक्त है। यहां एक चीज और है, प्रातिशाख्य का सीधा संबंध जो होता है वो शिक्षा से, व्याकरण, वैसे तो मुख्य रूप से शिक्षा छंद ही लिया गया है इसमें, लेकिन यहां पर शिक्षा
व्याकरण और छंद, इन तीनों से सीधा संबंध होता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा भी आदि है, इसमें शिक्षा पटल दे रखा है सीधा, उच्चारण और संज्ञा संहिता भी दे रखी है, तो ये व्याकरण से ही संबंधित है इसका कहीं ना कहीं। और छंद पटल में तीन पटल ये छंद के अलग से दे ही रखे हैं। पिलित जो है वो व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। पिलित को इसमें बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है, क्योंकि वेदों में पिलित स्वरों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है और सभी स्वरों का इस प्रयोग पिलितों में भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये पटलों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है छोटी सी ये बातें थी आपको, ये समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें सीधे इसमें प्रवेश करते हैं कि हमारे जो विषय में आता है वो क्या क्या चीज आती है, उसके लेकर के जानकारी लेते हैं। हमारा जो विषय है मुख्य रूप से वो संज्ञा का विषय है, परिभाषा का भी विषय नहीं है। ये पटल है लेकिन थोड़ा सा इसमें संज्ञा का विषय है। संज्ञा जो है इसको संज्ञा भी बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, और इसमें हमारे विषय में जो सिलेबस है उसके अनुसार कुछ भी नहीं आता। अगर उच्चारण पढ़ना हो तो सभी पढ़ लो, कोई समस्या ही नहीं है। पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। फिलहाल हम संज्ञा के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद प्रातिशाख्य जो है बिल्कुल जैसे अष्टाध्याय का हमने अध्ययन किया है, मैंने चर्चा भी की थी अष्टाध्याय का अध्ययन करते समय, उनकी व्याख्याएं जो कुछ सूत्रों की समझाने का प्रयास किया था प्रत्ययों में या समा उसमें संधियों में, तब चर्चाएं चली थी। संज्ञा प्रकरण में विशेष रूप से हमने संज्ञा प्रकरण में जब जाना था तो प्रातिशाख्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि ये जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है बिल्कुल संध्या जो एकदम दिमाग में से कभी कभी चीजें निकल जाती हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य है वो अष्टाध्यायी, जैसे अष्टाध्यायी लिखा हुआ है सूत्रात्मक यानी सूत्र विधि पर, ऐसे ही ये भी सूत्र विधि पर ही है ना, सूत्रात्मक मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज हम लगभग चार सूत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया है। उसके बाद में हम एक अगला वीडियो और बनाएंगे, बस दो वीडियो में पूरी आपकी जो विषय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके चार सूत्र ले लेते हैं। पहला जो सूत्र है इसमें बोला गया है अष्टौ समानाक्षर अक्षराणि, आदितः। दूसरा है ततश्चत्वारे ततश्चत्वारी संधि अक्षराणि उत्तराणि। तीसरा है एते स्वराः। चौथा है अनुस्वारम अनुस्वारो व्यंजनम वा स्वरो वा। यहां से शुरू किया गया है। जैसे अष्टाध्यायी को वृद्धि हृदय से शुरू किया गया है, वहां माहेश्वर सूत्रों का वर्णन नहीं किया गया है, ऐसे ही यहां अष्टाध्यायी की तरह ही जो प्रातिशाख्य है वो अष्टौ समान अक्षराणि आदिता यहां से शुरू किया गया है। अब इससे पहले की अगर व्यवस्था नहीं जानेंगे तो यहां पर अष्टौ जो शब्द लगा हुआ है, अब यहां पर तीन चीज और एक दो चीज बताता चलू। ये जो है हमने पढ़ा है समानाक्षर, ये आता है कि समानाक्षर कितने होते हैं। दूसरा आता है संध्याक्षर, संध्याक्षर कितने होते हैं। तीसरा आता है स्वर कितने हैं, अर्थात स्वर किसे कहा जाता है, और अनुस्वार क्या है। ये तीन प्रश्न इससे बनते हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें से दो तो प्रतिपरीक्षाओं में रहते ही रहते हैं लगभग, समान अक्षर और संध्याक्षर। इसको
कंठस्थ करते रहते हैं, तो आज के बाद ये आप शायद ही कभी भूलेंगे। तो अष्टौ समान अक्षराणी आदितः, इस तरह से ये बोला गया है। तो कह रहे हैं कि आठ अक्षर शुरू के, आदितः शुरू के जो आठ अक्षर हैं वो समान अक्षर हैं प्रारंभ के, शुरू के आठ अक्षर। अब यहां समस्या होती है कि कौन से शुरू के आठ अक्षर हैं, किसकी चर्चा की जा रही है, कहां से आए स्वर। तो इससे पहले यहां अध्ययन करने का जरूरत पड़ती है, यहां पर थोड़ी सी बातें जानते चले हम स्वरों के बारे में, जो इसमें जैसे अष्टाध्यायी में जो व्यवस्था दी है आई उन रे लक ए औ ऐ औच की, ऐसे ही इसमें स्वरों की शुरू में ही व्यवस्था दी गई है। तो स्वर दिए गए हैं ह्रस्व स्वर के बारे में, ह्रस्व, ह्रस्व में बोला गया है आ रे ई उ ए ओ आई और औ, ये ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। दूसरा फिर व्यवस्था दी गई है दीर्घ की, तो दीर्घ में बोला गया है कि जो ह्रस्व स्वर हैं उनके दूसरे जो वर्ण है अक्षर है उनको ही दीर्घ माना जाएगा, लेकिन शुरू के पांच अक्षरों को बोला गया है। तो पांच अक्षरों के बारे में ये चर्चा की गई है, लेकिन यहां पांच अक्षरों में दीर्घ यहां से हो जाएगा फिर, लेकिन इसमें एक अक्षर की व्यवस्था नहीं की गई है, उसका नाम है लिर, ली, ली को इसमें नहीं दर्शाया गया। ली का भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। जब हम अपनी लौकिक संस्कृत के बारे में अध्ययन करते हैं, वैदिक संस्कृत है ये, तो वहां पर ली का कभी भी दीर्घ नहीं होता, प्लित तो हो जाता है लेकिन वहां कभी भी दीर्घ नहीं होता। यहां दीर्घ की भी चर्चा की गई है, तो दीर्घ में हम ली को अभी यहां नहीं लेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे आ री ई और उ, इस तरह से चार ये और ये व्यवस्था हो गई, ये दीर्घ हो जाते हैं। तो कितने अक्षर हो जाएंगे, संपूर्ण स्वर कितने होते हैं, ये आ आ री री ई ई उ उ, ठीक है। ए ओ आई और औ, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, इस तरह से ये बारह स्वर हो जाते हैं। अब बारह स्वर हो जाते हैं तब इसमें कहा गया है अष्टौ समान अक्षराणी आदिता, अर्थात इन बारह स्वरों में जो आदि के आठ अक्षर हैं वो समान अक्षर के नाम से जाने जाएंगे। तो आदि के कौन से आठ हैं, ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अर्थात ये आठों अक्षर समान अक्षर के नाम से जाने जाएंगे। अब उम्मीद है समझ में आया होगा, तो यहां पर हम आठ अक्षर लिख लेते हैं आ आ री री ई ई ऊ ऊ, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये आठ अक्षर किसके नाम से जाने जाते हैं, समान अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है, इनकी अर्थात इनकी संज्ञा होती है समाना अक्षर, याद रखना संज्ञा क्या होगी, यहाँ संज्ञा प्रकरण चल रहा है, जैसे संज्ञा प्रकरण हमने वहां देखा था, ये संज्ञा प्रकरण, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। तो संज्ञा इस सूत्र के अष्टौ समान अक्षराणी आदितः, यानी इन स्वरों की जो स्वर दे रखे हैं उनमें से शुरू के आठ स्वरों की समान अक्षर संज्ञा हो जाती है, ये इसका पूरा व्याख्या है। अब इनकी हमें संज्ञा क्यों करनी पड़ी, समान अक्षर संज्ञा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि जब संधि आदि होती हैं तो इन दोनों के मिलन से जब भी आपस में सवर्ण मिलते हैं तो उनको दीर्घ हो जाए, इस वजह से समान अक्षर संज्ञा इसमें करनी पड़ी। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है ततश्च चत्वारी संध्या अक्षराणी उत्तराणी, अर्थात अंतिम, उत्तराणी का मतलब है उत्तर में या बाद के, बाद वाले चार, चत्वारी उसके बाद, तथा माने उसके बाद, यानी आठ अक्षर हैं उनके बाद जो चार अक्षर बचे
चार अक्षर बचे, इनको ए ओ आई और औ, इनको क्या बोला जाता है? संज्ञ अक्षर बोला जाता है। अब एक यहां पर चीज और समझते चलें, संधि अक्षर की अगर हम संधि करेंगे तो संधि धन अक्षर हो जाएगा, अर्थात ऐसे अक्षर जो संधि युक्त हो। तो अब हमने ये देखे हैं ए आई और ओ औ, ये दोनों इन्हीं ऊपर के स्वरों से मिलने से ही बन जाते हैं, और मैंने इनको एक स्वर संधियों के माध्यम से संपूर्ण समझाने का प्रयास किया था। वहां मैंने मात्र चार अक्षर बताए थे, आ ई ऊ री, इनके माध्यम से सभी अक्षरों का निर्माण करने से संधियों का नाम पड़ा था। वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, और जैसे ई की उत्पत्ति कैसे होती है, ओ की उत्पत्ति कैसे होती है, आई कैसे बना और ओ कैसे बना, तो इस तरह से आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लें उसको जाकर के। तो ये संधि अक्षर है, यानी दो अक्षरों से मिलकर के ये चार अक्षर बनते हैं। अब तीसरा जो सूत्र कहता है कि एते स्वरहा, अर्थात हमने जो समान समान अक्षर संज्ञा जानी और संधि अक्षर संज्ञा जानी, ये दोनों संज्ञा हैं, वो दोनों मिलकर के स्वर कहलाते हैं। अर्थात यहां पर स्वरों की संख्या कितनी है? 12 है, आपको याद रखनी होगी, 8 और 4 12, ये स्वर कहलाते हैं। बात आती है अनुस्वार की, कि अनुस्वार क्या है? अनुस्वारो व्यंजनम व स्वरो वा, अनुस्वार स्वर भी है और व्यंजन भी है, इसकी स्वर संज्ञा भी होती है और व्यंजन संज्ञा भी होती है। तो इनकी दो दो संज्ञाएं होगी, याद रखना है हमें इसका, एक समानाक्षर संज्ञा होगी और दूसरी स्वर संज्ञा होगी, ऐसी इनकी भी दो दो संज्ञाएं होगी, एक संध्याक्षर संज्ञा हो गई और दूसरी स्वर संज्ञा हो गई। अनुस्वार की दो संज्ञाएं, वो व्यंजन भी है और स्वर भी है। चलिए अब इतनी बात यहां समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि इसमें जो संपूर्ण अक्षर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उसके लिए यहां पर देखिए, ये अक्षर तो ज्यों की त्यों ले लेते हैं हम, ठीक है, संपूर्ण ऋग्वेद में अक्षर है ना, क्या है 12, तो यही हो गए आ आ, ये क्रम है इनका, याद रखना इसको, री मैं इसलिए इस क्रम से लिख रहा हूं, गलती मत करना इसमें, री ई ई ऊ ए ओ आई औ, ये तो स्वर हो ही गए इसमें। अब इसमें दो चीज और बढ़ जाती हैं, ऋ और दीर्घ ऋ, ये बढ़ करके, और प्लित ई, इस तरह से 12 13 14 15 अक्षरों के बारे में इसमें बताया गया है। तो एक छोटी सी हमने व्यवस्था दी है आज रूपरेखा के रूप में, उम्मीद है तीनों में से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, इनमें से कोई भी पूछ लेते हैं, ये क्रम पूछ लेते हैं कभी कभी, इनको याद रखना है, इसमें से आपको एक ना एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, और उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत ही लाभकारी होगा, एक बार देखेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ये जितनी भी इसमें संज्ञाएं हैं जो आने वाले हैं वो सभी को बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है।